हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आप जानोगे कि प्रेगनेंसी के बाद आपके जो नाभि लाइन होती है, आपके ब्रेस्ट जो होते हैं, उनकी निप्पल जो होते हैं, वो काली क्यों हो जाती थी। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम इसका क्या संकेत होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में पता चलने वाला है। और कई महिलाएँ बोलती हैं कि मैम इससे क्या लड़का होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इससे ये क्या लड़का होने का सिम्टम्स होता है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बारीकी से मैं समझाने वाली हूँ आप लोग को कि ये कितने परसेंट सही होता है और कितने परसेंट गलत होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक वॉच करिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी होगी। लास्ट में कुछ आपको ऐसा बताऊंगी जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपको पूरी सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। वीडियो पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद ही आपको, मतलब पहले महीने से लेकर 9 महीने के बीच में कुछ भी किसी भी टाइम ये लक्षण दिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बदलाव होते रहते हैं। उन्हीं में से एक ये है कि आपकी प्रेगनेंसी लाइन, जैसे कि पेट पे जो लाइन बनती है उसको प्रेगनेंसी लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। नाभि लाइन भी कह सकते हैं आप, प्रेगनेंसी लाइन भी कह सकते हैं, इसको लीनियर आइग्रा भी कहा जाता है। तो इसको अगर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, क्यों ये डार्क हो रही है। काफ़ी महिलाएं ये सोचती हैं कि लड़का होने का लक्षण होता है, और बड़े बूढ़े ओल्ड वाइफ भी यही बोला करते हैं कि ये लड़का होने का सिम्टम्स होता है अगर लाइन जो है डार्क हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स का लेवल अप डाउन होता रहता है, बढ़ता रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। उसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स होता है एक, जो कि मेलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है, अगर वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे पेट की जो लाइन होती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये जो लाइन बनती है वो सबके बनती है, ठीक है, मतलब सबके डार्क दिखती, किसी को बहुत हल्की पिंक दिखती, मतलब बनती सबके लेकिन हल्की पिंक दिखती, किसी की डार्क होती है। कहने का मतलब है कि सारे लोगों को लाइन जो होती है वो काली नहीं होती है, बनती है सबकी लेकिन काली नहीं होती, किसी की हल्की होती है, किसी की पिंक होती है, किसी की बहुत ज़्यादा डार्क होती है। तो डार्क जिसकी होती है तो उसके अंदर मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लगती है। साथ ही साथ आपके ब्रेस्ट के जो निप्पल हैं वो भी डार्क दिखने लगते हैं। वो चीज़ आपको पहले मतलब बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लगेगी जो पहले से थोड़ी सी सांवली थी, ठीक है, जो स्किन पहले से सांवली थी वो चीज़ आपको और ज़्यादा डार्क दिखने लगेगी। तो इससे क्या होता है कि मेलेटोनिन नाम का जब हार्मोन बढ़ता है तभी ये होता है, ठीक है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये अपने आप ही कम हो जाएगा। जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी वैसे ही ये हार्मोन जो है कम हो जाएगा, आपकी जो पहले जैसे स्किन थी वैसे ही हो जाएगी। और काफ़ी महिलाएं बोलती कि मैम ब्रेस्ट पे खुजली होती है तो इसका मतलब क्या बेबी बॉय का मतलब हुआ, बेबी बॉय होगा। तो देखिए ब्रेस्ट पे खुजली होने का मतलब ये हुआ कि ब्रेस्ट जब आपका प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपको ब्रेस्ट में ना दूध मतलब बनना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे के लिए आपके जो मिल्क है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके ब्रेस्ट में खिंचाव होता है, ठीक है। अब कहीं भी बॉडी पे कहीं पर भी खिंचाव होगा तो मतलब खुजली तो मचेगी, ठीक है, स्किन हमारी खिंचेगी, ड्राइनेस होगी तो वहाँ पे खुजली होगी, नॉर्मल ही बात है। तो आपके ब्रेस्ट पे भी इसीलिए खुजली होती है, तो आपको खुजलाना बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है, खुजलाने से आपके स्क्रैच मार्क्स भी पड़ सकते हैं और आपको दिक्कत भी हो सकती है, हो सकता है कि आपका नाखून वगैरह लग जाए, आपको इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको खुजली होती है तो आप हल्के हाथ से कॉटन के कपड़े से सहला सकते हैं, बाकी आप ऑयल लगा सकते हैं, मतलब कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, फिर बॉडी लोशन लगा सकते हैं, जिससे कि आपको खुजली ना हो। यही आपको पेट पे करना है, पेट पे भी ड्राइनेस आ सकती है, खुजली हो सकती है, तो पेट पे भी आपको यही करना है, ठीक है, बिल्कुल भी खुजलाना नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से होती है, प्रेगनेंसी के बाद आपकी जो बॉडी है पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका लड़का या लड़की से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ एक मिथ होता है।
काफ़ी लोग बोलते हैं तो जिसके साथ सही हो जाता है उसको सही मान लेता है, ठीक है, जिसके साथ नहीं सही होता है तो उसको सही नहीं मानता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे रीज़न बता दिया कि आखिर ये रीज़न किस रीज़न की वजह से होता है, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत महत्व रखता है कि आखिर इसके रीज़न क्या है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप इस पर विश्वास करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से विश्वास कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, बाकी आपको 100% विश्वास नहीं करना है। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को आगे ज़रूर करें। अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको प्रेगनेंसी टिप्स रिलेटेड इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय एंड टेक केयर।